हेलो फ्रेंड्स, फिर से बजट आपके सामने है और बजट को लेके बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकार ने कहा कि पिछले 100 साल में ऐसा बजट नहीं आया होगा जैसा आप देने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है बजट में, इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस बजट को लेके स्टॉक मार्केट में क्या हलचल है, स्टॉक मार्केट और बजट का क्या रिलेशनशिप है, वो हमें शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने जब भी देखा है कि बजट के ऊपर बहुत सारी चर्चा होने लगती है, न्यूज़ चैनल्स भरमार कर देते हैं अपनी न्यूज़ को लेकर। बट अगर हमें सही मायने में समझना है, अगर आपको ये मालूम है बाजार की चाल को कौन तय करता है, वो है विदेशी निवेशक। हम और आप कभी बाजार की चाल को तय नहीं करते हैं, हम हमेशा उसका एक हिस्सा जरूर है, पर हमारी बाइंग सेलिंग इतनी बड़ी नहीं होती है, इतनी इंपैक्टफुल नहीं होती है कि हम बाजार को हिला सकें। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो FIs हैं, FPIs हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस बाजार से। अगर हमें वो समझ में आ जाए तो मेरे हिसाब से मार्केट का रुख बजट के बाद क्या हो सकता है, हम उसका अंदाजा लगाने में कामयाब हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कि सीतारमन जी, जी हां, निर्मला सीतारमन जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे FPIs को और FIs को क्या उम्मीदें हैं, उनको क्या लगता है बजट कैसा आना चाहिए। अगर उनकी उम्मीदें खरी होती है तो शायद बाजार यहां से रुकने का नाम नहीं लेगा, बट अगर उनकी उम्मीदों पे बजट खरा नहीं उतरता है तो बाजार औंधे मुंह गिर भी सकता है, क्योंकि FIs की हमेशा से एक आदत रही है, वो जब भी अच्छी न्यूज उनको समझ में आती है, बाजार समझ में आता है, बहुत जबरदस्त बाइंग शुरू कर देते हैं। और अगर मान लो उनको, जैसे हमने लास्ट टाइम LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब लगाया गया था, उन्होंने भारी बिकवाली की थी, बाजार सेम डे 10% के आसपास तक लुढ़कने में कामयाब रहा था। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि FIs और FPIs की क्या मांगे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी क्या उनकी उम्मीदों को पूरा उतरेंगे। इसके लिए आपको पूरा इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दिस इज ऑल नॉलेज और नॉलेज पे सबका अधिकार है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीतारमण जी के बजट से क्या चाहते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, FPIs। पिछले साल उभरते बाजारों में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आया। टैक्स के मोर्चे पर राहत मिलने से आगे भी भारतीय बाजार का आकर्षण बना रहेगा। भारत की व्यवस्था कोरोना की महामारी से उभरने की कोशिश कर रही है। इस बीच नजरें वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के साथ ही निवेशकों की उम्मीद को पूरी करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। पिछले साल वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी, उसकी वजह से भारत दुनिया में निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। 2020 में उभरते बाजारों में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आया है। विदेशी निवेशकों ने उभरते बाजारों में से पैसे निकाले हैं। भारत में दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना के कम मामले हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी के संकेतों को देखते हुए सीतारमण जी बजट में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI की उम्मीदें पूरा कर सकती हैं। आइए इन उम्मीदों के बारे में जानते हैं कि ये उम्मीदें क्या हैं, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अभी टैक्स नियमों के मुताबिक भारतीय कंपनियां विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को डिविडेंड इनकम देते वक्त 20% सरचार्ज और सेस अलग से टैक्स काट लेती हैं। बेनिफिशियल टैक्स ट्रीटी रेट में विदहोल्ड टैक्स के मामले में रियायत नहीं दी गई है। दूसरी कैटेगरी के निवेशकों के मामले में स्थिति अलग है, उन्हें डिविडेंड का भुगतान करते वक्त भारतीय कंपनियां बेनिफिशियल टैक्स ट्रीटी के हिसाब से टैक्स काटती हैं। डिविडेंड आय पर विदहोल्डिंग टैक्स में राहत, कुछ शर्तें पूरी करने पर भारत में टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त विदेशी निवेशक टैक्स ट्रीटी के तहत कम टैक्स का दावा कर सकते हैं, लेकिन उनसे उनके लिए कंप्लायंस बढ़ जाती है। सरकार को इस मामले में विदेशी निवेशकों को राहत देनी ही चाहिए। टैक्स चुकाने में देरी पर ब्याज से राहत, अगर करदाता एडवांस टैक्स चुकाने में नाकाम रहता है या कम टैक्स चुकाता है तो सेक्शन 234C के तहत उस पर ब्याज लगने का प्रावधान है। चूंकि डिविडेंड इनकम पहले से तय नहीं होती, इसलिए करदाता से इस पर टैक्स चुकाने में देरी पर किसी तरह का ब्याज नहीं वसूलना चाहिए। इस नियम में बदलाव कर करदाता को ब्याज से राहत देने का ऐलान बजट में किया जा सकता है, यह बहुत ही बड़ा कदम होगा। दूसरी चर्चा का विषय रहेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। LTCG टैक्स का ऐलान किया गया था 2018 में। सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में से एक साल में हुए 1,00,000 रुपए से ज्यादा के मुनाफे पर 10% के दर से LTCG टैक्स लगता है। इंडेक्सेशन का फायदा इसमें नहीं मिलता है। सरकार को मौजूदा स्थिति में LTCG के टैक्स के प्रावधान को वापस ले लेना चाहिए। अगर सरकार इसको वापस नहीं ले सकती तो उसे इस टैक्स को 10% से घटाकर 5% कर देना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा वेलकम किया जाएगा। अगली बात है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में राहत की। अभी भारत में सिक्योरिटी मार्केट में सौदे पर कई तरह की लागत लगती है, इनमें से SCT, ब्रोकरेज शुल्क, GST, स्टैंप ड्यूटी, SEBI की टर्नओवर फीस और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस शामिल है। SCT की शुरुआत 2004 में हुई थी। शेयरों में LTCG से छूट देने और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स घटाने के लिए इसे शुरू किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को STT हटाने या LTCG पर टैक्स कम करने का फैसला लेना चाहिए, अगर वो बाजार को चाहते हैं और भी अच्छा परफॉर्म करें। दोस्तों ये उम्मीदें हैं FPIs की निर्मला सीतारमण जी से। अगर ये उम्मीदें पूरी हो जाती हैं तो मेरे हिसाब से बाजार
में आग लगने से कोई रोक नहीं सकता। ये वो बाजार है दोस्तों जो दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। FIs हों FPIs हों हमारे देश में आते रहे हैं। मुनाफा वसूली करना, पैसा निकालना, ये तो उनकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा रहता है। बट अगर देखा जाए तो हमारा बाजार जब से FIs और FPIs के नियंत्रण में आया है, जी हाँ, उनके नियंत्रण की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दे आर दी रियल ट्रेड मेकर, दे आर दी रियल प्राइस मेकर्स। अगर वो बाजार में दोबारा से आते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए अगर बजट में कोई प्रावधान दिए जाते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे शानदार कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि बाजार की दिशा रुख तय करने के लिए FPIs और FIs का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कुछ आपको अंदाजा लगा होगा कि FIs और FPIs क्या अंदाजा लगा रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी से क्या अपेक्षा रख रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी उम्मीद पूरी होती है तो मुझे लगता है बाजार इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।